चेकिंग चल रही थी, तभी दो गाड़ियां पकड़ी गई स्कॉर्पियो। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद से, जहां गाजीपुर जनपद के करंडा पुलिस द्वारा आगामी लोकसभा के दृष्टिगत चेकिंग के दौरान फर्जी नंबर प्लेट लगी 5 स्कॉर्पियो के साथ 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। आइए इस संबंध में क्या कुछ कर रहे हैं पुलिस अधीक्षक महोदय, पूरी जानकारी सुनते हैं। कामयाबी मिली, किस तरह कामयाबी है और किस तरह का ये गैंग है सर? आगामी जो लोकसभा इलेक्शन है, क्योंकि इसमें काफी मात्रा में प्रत्याशी प्रचार में वाहन लगाते हैं, तो इस तरह का इनपुट हमारी करंडा पुलिस और स्वाट सर्विलेंस को था कि कुछ गाड़ियां जो गैर प्रांतों में जिनका रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है, उन्हें सस्ते दामों पर ला कर और उनके टूट रचित दस्तावेज तैयार कराकर और उन्हें यहां पे चलाया जाना था किराए पर। इस सूचना पे करंडा क्षेत्र में चाड़ीपुर किराए पर चेकिंग चल रही थी, तभी दो गाड़ियां पकड़ी गई स्कॉर्पियो। जब चेक किया गया तो उसके जो उपलब्ध कागजात थे वो और जो गाड़ी का चेसिस और इंजन नंबर था, सब में भिन्नता थी। और सख्ती से पूछताछ की गई तो इस तरह की 5 स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद हुई हैं, जो जिनका रजिस्ट्रेशन जैसा आप सबको विदित है 15 साल का रजिस्ट्रेशन होता है डीजल गाड़ियों का, वो सब समाप्त हो चुका था। और उसके बाद टूट रचित दस्तावेज तैयार कराकर उन गाड़ियों को ये किराए पे और जो शादी लगन होती है उसमें चलाते थे। इसका सबसे बड़ा जो आर्थिक पहलू ये है कि ऐसे वाहन जो चलाए नहीं जा सकते थे, वो दूसरा इनका दुर्घटनाग्रस्त होने पर कोई किसी भी जो पीड़ित होता है उसे कोई इंश्योरेंस इत्यादि की भी सहायता नहीं मिलती। तो ये बड़ा संगठित होकर इस तरह की गतिविधियों को संचालित कर रहे थे। निश्चित रूप से इस गैंग के पकड़े जाने से इन गाड़ियों के रिकवरी होने के बाद इस तरह की जो लोग मंसूबे पाले हुए थे गलत तरीके से गाड़ियों को ला कर उनका रजिस्ट्रेशन करा कर उनका संचालन करें, उस पर रोकथाम लगेगी और इन सभी पर गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, सभी गाड़ियों को सीज किया जा रहा है और निरंतर इस और जो हमारी जनपद की पुलिस है वो कार्य करती है। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इसमें। यही लोग महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि राज्यों से लाते थे जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन ओवर हो चुका होता था और यहाँ पर उनका संचालन करा था।